नमस्कार हॉपफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गाय भारत में संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गोहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे जावेद नाम के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए एचसी ने ये टिप्पणी की। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करना चाहिए और गायों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और अलग अलग पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह एकमात्र राष्ट्र है जहां देश के लिए उनकी सोच समान है। एचसी ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी स्थिति में जब हर कोई एक अखंड भारत की दिशा में काम कर रहा है और उसके विश्वास का समर्थन कर रहा है, कुछ लोगों की आस्था और विश्वास देश के हित में नहीं है और वे इस तरह की बात करके देश को कमजोर करते हैं। अदालत ने कहा, उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित होता है। आरोपी जावेद को जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत बड़े पैमाने पर समाज के सद्भाव को परेशान कर सकती है। एचसी ने कहा कि आरोपी अपराधी है और अतीत में भी गोहत्या कर चुका है। उच्च न्यायालय ने राज्य भर में गौशालाओं के कामकाज पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गायों की देखभाल के लिए काम करने वाले कई लोग केवल अपने हितों के बारे में ही चिंतित हैं। देश हित चैनल हॉपफीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।